नमस्कार जोहार, और भी है राहें में। मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट्स और उसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस पर चर्चा करते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में करियर की क्या क्या संभावनाएँ हैं उस पर। और बात करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं PIT मिश्रा के प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, जो कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के फैकल्टी में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। तो चलिए चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, धन्यवाद। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट को ही समझना चाहेंगे कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है इसमें किस चीज़ की पढ़ाई होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूँ, उसके पहले मैं इसके बैकग्राउंड में थोड़ा जाता हूँ जी। तो जैसे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, अगर मैं इसके सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन में चला जाऊँ तो उत्पादन और इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक अभियांत्रिकी जी, ठीक है। तो उत्पादन और औद्योगिक अभियांत्रिकी की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि दो शब्द हैं, एक हो गया उत्पादन, एक हो गया उद्योग जी। तो उद्योग और उत्पादन, अब जैसे सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं टाटा एक औद्योगिक घराना है, तो मैं उसका एक एग्जांपल लेता हूँ। तो उसमें क्या है कि कई सारी, जैसे टाटा है तो उसमें क्या है कि आपके पास TCS भी है, टाटा स्टील भी है, टाटा पावर भी है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब उत्पादन उसका दूसरा, हर का अलग अलग है। मगर रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो जैसे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट हमेशा ही रहेंगे, जैसे कि मैन पावर यूज़ होगा, मशीनरी यूज़ होगा, मनी चाहिए होगा, मटेरियल चाहिए होगा, और उसके अंत में मैनेजमेंट चाहिए होगा। तो इन पाँचों का समावेश हर प्रोडक्शन सिस्टम में होना ही होना है जी। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब हम प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने बताया टाटा में तीन डिफरेंट अलग अलग है मान लीजिए, तो तीनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा। पावर का अलग रिक्वायरमेंट होगा, TCS सॉफ्टवेयर है उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट होगा जी। और टाटा स्टील का अलग रिक्वायरमेंट होगा। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की जब हम लोग बात करते हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं, तो इसमें हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि कोर है और मैनेजमेंट, इन दोनों का समागम होता है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में क्या है कि हम लोग मैकेनिकल के कुछ कोर सब्जेक्ट्स जैसे थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब चीज़ पढ़ाते हैं। और मैनेजमेंट में अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो उसका भी समागम है। तो प्रोडक्शन इंजीनियर्स, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट क्या होता है कि उनके पास दो अलग डिपार्टमेंट का भी नॉलेज होता है। और अगर हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करें जो कि प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, तो उसमें है आपका पहला सब्जेक्ट हो जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर मेट्रोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजीज। तो कुल मिला के प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पे, कि किस तरीके से आप काम को कर रहे हैं और इफेक्टिवली और इफिशियंटली कर रहे हैं ताकि आपका जो वेस्टेज है किसी भी टर्म्स में कम हो, और जितना आप कम कर पाएंगे उतना बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एट द एंड ऑफ द डे जी। सब्जेक्ट को समझने के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ पे भी जब हम आएंगे तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब प्रोफाइल्स है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस फील्ड में क्या क्या जो जॉब प्रोफाइल्स हैं जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखिए, प्रोडक्शन इंजीनियर्स के साथ एक एडवांटेज है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैकेनिकल और मैनेजमेंट दोनों का भी सब्जेक्ट्स पढ़ा होते हैं और ऊपर से प्रोडक्शन के कोर पेपर्स पढ़ ही रहे होते हैं बच्चे। तो अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म्स में आप कहीं भी नया प्रोजेक्ट अगर आ रहा है, मान लीजिए कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल स्क्रैप पे है, स्क्रैप से स्टार्ट करना है वहाँ पे, तो प्रोडक्शन इंजीनियर्स के बच्चों को प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे रिक्रूट किया जाता है। और उनका बेसिक काम क्या होता है कि भाई वो प्लांट लोकेशन, फिर प्लांट लोकेशन के साथ सॉफ्ट फ्लोर पे कौन सा मशीनरी कहाँ पे होगा, तो शेड्यूलिंग का काम करना, सिक्वेंसिंग का काम करना, तो उन चीज़ों में चूंकि उनको एक्सपर्टीज़ होता है तो उन जगहों पर उनका रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अब आप समझ लीजिए प्रोडक्शन इंजीनियर्स के लिए सॉफ्ट फ्लोर मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्वेंट्री, सॉफ्ट फ्लोर मैनेजमेंट बेसिकली, अब किसी भी इंडस्ट्री में जाइएगा तो आप देखिएगा कई सारी मशीन्स लगी होती हैं और सब पे अलग अलग ऑपरेशंस हो रहा होता है जी। तो उसका फ्लो क्या होगा, मतलब इनपुट कहाँ से होगा, आउटपुट कहाँ से होगा, और किस मशीन पे कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सा उसके बाद होगा, इस फ्लो को जब तक कायदे से डिफाइन नहीं किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो आपका प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इनपुट से लेकर आउटपुट तक, फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो उन जगहों पर प्रोडक्शन इंजीनियर्स का काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है। और क्या है कि आप से एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है हमारे सब्जेक्ट में, प्रोडक्शन के बच्चे जो पढ़ते हैं, तो सप्लाई चेन एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है बेसिकली जो कि किसी भी एरिया में एप्लीकेबल है। आप चाहे ऑटोमोबाइल की बात कर लीजिए, चाहे फार्मेसी की बात कर लीजिए, चाहे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, तो हर जगह इसका एप्लीकेशन है।
जी। तो ये हर जगह प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए बेनिफिशियल ही है जी। अब जब करियर बनाने के लिए जो पाथवे है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो बच्चे अभी 12वीं में हैं और उनको आगे चल कर के प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में करियर बनाना है तो उनके लिए क्या पाथवे है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे और उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी क्या है उन सारे एग्ज़ाम्स की। देखिए, इंजीनियरिंग का बेसिक एलिजिबिलिटी तो भाई आपको 12th पास करना है जिसमें कि आपका PCM होना कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। उसके बाद आपके एडमिशन के लिए अगर हम राष्ट्रीय लेवल पर बात करें तो आपका AIEEE का एग्ज़ाम होता है, JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसमें फिर आप रैंक स्कोर करते हैं, फिर जोसा के थ्रू या CSAP के थ्रू आपका सीट एलोकेशन होता है, फिर आप जो रैंक के हिसाब से जो कॉलेज मिला वहाँ पे आप एडमिशन लीजिएगा। और हम स्टेट लेवल की बात करें तो जैसे आपका बिहार कम्बाइंड हो गया, झारखंड कम्बाइंड हो गया, तो उसके थ्रू भी कई सारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पर कि एडमिशन्स ले सकते हैं बच्चे। उसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है वो है कि कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना खुद का भी एग्ज़ाम लेते हैं, तो उन एग्ज़ाम्स में भी आप क्वालिफाई करके एडमिशन ले सकते हैं जी। जो ये प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रैंकिंग होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अलग रैंकिंग होता है, तो किस रैंक के बच्चे JEE में किस रैंक तक के बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये डिपार्टमेंट ले पाएंगे? देखिए, एज पर प्रेजेंट ट्रेंड जो चल रहा है उसमें तो अभी हर किसी को कंप्यूटर साइंस चाहिए होता है जो आज की तारीख में है। लेकिन जैसे मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो हमारे कॉलेज में लगभग 80-90 हज़ार रैंक के आसपास तक में बच्चों को मिलना शुरू हो जाता है ये जी। और बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये भी पता चल जाता है कि हर कॉलेज में फैकल्टी क्या है, उसके अलावा वहाँ पर क्या क्या पैकेजेस कैसा निकलता है, उसके अलावा वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, लेकिन कौन कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं ये जो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं या फिर वो जो इस एनवायरमेंट में है वही बता सकते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में भी और हमारे झारखंड राज्य में भी इस डिपार्टमेंट को स्पेशली लेकर के कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं? देखिए, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जो कि आपको हर जगह नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, सेटअप कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चला था, स्टार्ट हुआ था, वो था आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में 60s के समय, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अगर अपने राज्य की बात करूँ तो यहाँ पर आपके NIT जमशेदपुर में है, BIT सिंदरी में है, फिर हमारे BIT मिश्रा में है। और इसका इंपॉर्टेंस आप इससे समझिए कि 60s में इसका फाउंडेशन हुआ था, मतलब 60s से ये कोर्स स्टार्ट हुआ था, चालू हुआ था, और फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे जिस भी ब्रांच में हो वो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक वर्कशॉप टेक्नोलॉजीज करके लैब होता है, उसमें सारे बच्चे आते हैं जी। और उनको बेसिक्स बताया जाता है, जैसे हमारे लैब में 5-6 अलग अलग शॉप्स हैं, तो कारपेंट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फिटिंग हो गया, तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं उसमें, तो सारे किसी भी ब्रांच का कोई सा भी बच्चा क्यों ना हो उनको उन सारे सेक्शंस में जाना है और एक बार देखना है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे BTech से पहले आप चल रहे हैं कहीं से, आपको दिख गया कोई बिल्डिंग कर रहा है, तो आपके मन में जिज्ञासा रहती है कि भाई कैसे कर रहा है, क्या होता है, तो जब हैंड्स ऑन कर रहा होता है खुद से बच्चा तो वो ज़्यादा सीखता है जी। और सीखने के क्रम में फिर उनका अपना इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट जागता है, और फिर वो फिर अब चाहें तो धीरे धीरे एक्सेल करते हैं उसमें, किसी का इंक्लिनेशन हो जाता है कि भाई मैं उसमें रिसर्च करूँगा या उसमें और आगे पढ़ाई करना है, तो वो फिर उस हिसाब से देखते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं बच्चे जी। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या क्या होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग जो है वो अलग अलग कॉलेजेस में अगर प्राइवेट है तो थोड़ा ज़्यादा भी होता है और डिपार्टमेंट वाइज भी वैरी करता है, तो क्या फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारे कॉलेज में जो BIT मिश्रा में जो है वहाँ पे फ़ी फिक्स ही है और हर ब्रांच का ऑलमोस्ट फिक्स फ़ी है। और जैसे BTech का आज की तारीख में करीब 15-16 लाख रुपये फ़ी है, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिए। और जैसे UG लेवल पर अगर मैं PG लेवल की बात करूँ तो PG में जो एडमिशन होता है वो होता है गेट के थ्रू, और कुछ नॉन गेट सीट्स भी होते हैं जिसमें कि जो गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो उनके लिए अलग से होता है, जिसमें कि उनका कुछ इंटरव्यू होता है, फिर कुछ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स पे उनका मार्क्स दिया जाता है और फिर उनका एडमिशन होता है जी। ठीक है, हमने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लोगों का ये होता है, जॉब होता है ये पता है, अपना कंप्लीट कर लिया BTech, उसके बाद फिर कॉलेजेस आएंगे, प्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग होता है तो उनके लिए कोल फील्ड में भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए पब्लिक सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? प्रोडक्शन इंजीनियर्स के लिए ना पब्लिक सेक्टर में स्पेसिफिक वैकेंसीज आती हैं। अच्छा। और ये कई जगहों पर एप्लीकेबल है, जैसे मैं कुछ नाम ले सकता हूँ कंपनीज के जहाँ पे कि बाई डिफ़ॉल्ट इनका वैकेंसी आता है, जैसे आपका HAL में भी आता है, तो वहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट मैनेजर, शॉप फ्लोर मैनेजर, और आपका HEC में भी हुआ करता था, और आपका सेल में है,
भेल में है, तो इन सारी जगहों पे पब्लिक सेक्टर में एप्लीकेशंस, हाँ एप्लीकेशंस कॉल करते हैं और फिर उसके हिसाब से बच्चे अपना अप्लाई करें और फिर जाएं। और आज की तारीख में तो मैक्सिमम जो वैकेंसीज ये रिक्रूटमेंट हो रहा है वो गेट के स्कोर के थ्रू हो जा रहा है, तो गेट में अगर अच्छा स्कोर कर रहे हैं बच्चे तो उस कट ऑफ के हिसाब से कंपनीज उनको डायरेक्टली कॉल कर लेती हैं इंटरव्यू के लिए और फिर वहाँ से उनका रिक्रूटमेंट हो जाता है। जी, साइंस के जितने भी फील्ड होते हैं ना और इंजीनियरिंग के, उनमें हमेशा नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, तो इस सब्जेक्ट को लेकर के अभी क्या नया ट्रेंड्स आ रहा है? अभी जो मेन फोकस है वो है AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखें तो अभी जो मेन एक और फोकस एरिया है वो है आपका सस्टेनेबिलिटी पे। तो सस्टेनेबिलिटी बेसिकली क्या है, अगर थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको, तो उसका जो मेन बेसिक तीन पिलर्स है, इन्वायरमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। आप इन तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलिए ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेस है जो कि डिप्लीट हो रहा है, जो कि कमते जा रहे हैं दिन ब दिन, अगर आप उनको बेहिसाब यूज़ करते जाइएगा, जैसे मैं कोल का एग्जांपल ले लूँ, तो बेहिसाब अगर आप यूज़ करते जाइएगा तो एक समय पे आके वो समाप्त हो जाएगा और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो हम के लिए फिर वो बचेगा ही नहीं, तो वो कहाँ से यूज़ करेंगे। तो उसका कुछ ऑल्टरनेट सोर्स आपको पता करना होगा या कुछ ऑल्टरनेट आप R&D कीजिए, और उसके लिए कई सारा R&D चल भी रहा है इनफैक्ट, तो आप उसके हिसाब से कुछ नया आप फाइंड आउट कीजिए और फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ आप मूव कीजिए। जो भी करियर हम अभी चुनते हैं ना, उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज देखते हैं कि किस फील्ड में जाना चाहिए, और उसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो ये कि आगे चल करके इसमें फ्यूचर कितना सिक्योर है। तो अगर एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें, जब बच्चों का प्लेसमेंट होता है BTech के बाद, तो इस डिपार्टमेंट के बच्चों को कितना सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, इंजीनियरिंग में कोरोना के बाद से जो थोड़ा सा तो मार्केट स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है, लेकिन पास करने के बाद जो इनिशियल पैकेज होता है वो 8 लाख से करीब 12 लाख के आसपास अमूमन मिल जाता है बच्चों को। जो ढंग के बच्चे हैं उनका स्टार्टिंग सैलरी ये होता है, उसके बाद फिर उनके स्किल सेट पे है कि भाई वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं और फिर इंडस्ट्री में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर आराम से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी, टीचिंग की अगर बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो कि हर करियर फील्ड में हम लोग को देखने के लिए मिलता ही है, तो अगर इस डिपार्टमेंट के बच्चों को आगे चल करके टीचिंग लाइन में ही करियर बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है? देखिए, टीचिंग के लिए आज की तारीख में इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बेसिक क्राइटेरिया हो गया है वो PhD हो गया है जी। बिना PhD के आज की तारीख में किसी अच्छे कॉलेज में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले तो आप BTech करिए, उसके बाद अगर आप गेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके थ्रू आप MTech में एडमिशन ले सकते हैं। तो MTech में एडमिशन लेने पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है गवर्नमेंट से, और फिर आप PhD में इनरोल करके फिर PhD कर सकते हैं, और फिर PhD के बाद आपको मौका मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करने का। फ़ी स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे थे, तो एक बहुत क्यूरियोसिटी रहती है स्टूडेंट्स की कि जो फीस है उसमें कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है, क्या कुछ कम हो सकता है, तो क्या क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि बच्चे इनरोल करके फीस में थोड़ी सी रेमेडी ले सकते हैं? काफ़ी सारा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो कि बच्चों को सपोर्ट करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर के कंसर्न में। और जैसे हमारे सिस्टम में जो BIT मिश्रा में हमारे यहाँ पे जो हम लोग बच्चों को एक GP बिरला स्कॉलरशिप है, तो वो हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है बेसिकली। तो उसमें क्या है कि जो क्राइटेरिया है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है बच्चों का और उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, तो इन क्राइटेरियाज़ को देख करके एक मंगाया जाता है फॉर्म, फिर उसके हिसाब से पूरा प्रोसेस होता है और फिर बच्चों को उनके कैपेसिटी के हिसाब से या उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से स्कॉलरशिप दिया जाता है बच्चों को। NEP की अगर बात करें, तो इसमें एक क्राइटेरिया है कि अगर आप चाहें तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पर उसके साथ में आप कोई भी और सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ सकते हैं। प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को साथ में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट लेने चाहिए ताकि आगे चल करके उनका भविष्य बहुत सुनहरा हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा NEP के बारे में आपको बताऊँ। NEP जो इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक बहुत ही सराहनीय इनिशिएटिव है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि जो बच्चे हैं उनका जो वर्कलोड है या स्ट्रेस जो लेवल है वो कम किया जा सके। और इसका एक और एडवांटेज ये है कि भाई चूंकि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट होता है इसमें, तो कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते, मान ली फर्स्ट ईयर पढ़ा और उसके बाद किसी भी कारण से आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो उनका डिग्री का मतलब एक साल जिंदगी का वेस्ट हो गया। अभी NEP में क्या हो गया है कि भाई फर्स्ट ईयर आप पढ़े तो आपको कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकेंड ईयर पढ़े तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर पढ़े तो आपको BSc का डिग्री मिल जाएगा, और फाइनल ईयर तक पढ़े अगर BTech की बात कर रहे हैं, 4 साल वाली कोर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी। तो इसमें एडवांटेज क्या है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर आप छोड़ते हैं तो आपके पास उतने समय का डिग्री है जी। और उसका यूज़ करके आप अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। और फ्यूचर में क्या है कि अगर आपकी इच्छा हो गई कि नहीं भाई अब मेरे को थोड़ा सा अपना स्किल सेट और इम्प्रूव करना है या डिग्री कम्प्लीट करना है, तो आप जो क्रीडेंशियल्स आप एक्वायर कर चुके हैं ऑलरेडी, उन क्रीडेंशियल्स को आप
री यूज़ कर सकते हैं, मतलब कहीं और एडमिशन ले सकते हैं, तो फिर सीधे थर्ड ईयर से आप कंटिन्यू करके अपने क्रेडेंशियल्स को बढ़ाते हुए आगे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जी। और इसका एक और जो क्राइटेरिया है कि साथ में अलग अलग सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसके साथ में? देखिए वो तो अब डिपेंड करेगा कि किस कोर्स में जा रहे हैं, क्योंकि उसमें स्पेसिफिकली बताना मुश्किल है। लेकिन प्रोडक्शन वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आप, चूँकि मैनेजेरियल पेपर्स काफ़ी सारे होते हैं, तो MBA से रिलेटेड पेपर्स काफ़ी सारे होते हैं, तो अगर वो ऐसे पेपर्स लेके चलते हैं तो भविष्य में उनको काम आएगा। मान लीजिए कोई MBA करना चाह रहा हो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करने के बाद, तो कुछ पेपर्स वो अगर पढ़ ले तो MBA करते टाइम पे उनको थोड़ा सा आराम आसानी होगा पढ़ने में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो इच्छा होती है कि अगर भारत में पढ़ भी लिया है तो आगे बाहर जा कर के जॉब करना है, या फिर अगर इंजीनियरिंग ही करनी है तो भी बाहर से करना है, तो इन दोनों के लिए क्या क्राइटेरिया है? देखिए इसमें मेरा अपना विचार तो ये है कि भाई आप जब पढ़ने का समय आया तो आप देश में पढ़ रहे हैं, और जब आपको देश से लेते रह गए और जब देश को वापस करने की बारी आई तो आप चाह रहे हैं कि हम बाहर चले जाएं, बाहर जाके कंट्रीब्यूट करें। तो मेरा अपना मत तो ये है कि भाई आप जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो कुछ साल एटलीस्ट देश के लिए काम करें, उसके बाद फिर आपकी इच्छा है आप अपना स्विच कर सकते हैं। उसमें देखिए दो तीन चीज़ है, एक तो हो गया कि आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो उनका वैकेंसी आता है। अगर आप बीटेक लेवल की बात करें तो कई बार क्या होता है यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलता है, तो आप स्टूडेंट एक्सचेंज कर लिए तो बच्चे यहाँ के बच्चे वहाँ चले गए, वहाँ के बच्चे यहाँ आ गए, तो इनसे क्या है कि वहाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है इसका नो हाउ मिल जाता है बच्चों को, थोड़ा एक्सपोजर मिल जाता है बच्चों को। और एक दूसरा इसका क्या है कि आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको अगर जाना है तो आप देख रहे होते हैं कि भाई मेरा एरिया ऑफ रिसर्च में कौन से प्रोफेसर काम कर रहे हैं, फिर अगर उनके पास कोई स्लॉट ओपन है आप उस स्लॉट के हिसाब से उनको आप मेल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, फिर प्रोसेस है आपका वीज़ा परमिट है, वर्क परमिट है, उसके हिसाब से वो सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। और प्रोफेसर अगर इंटरेस्टेड है उस बच्चे में तो, और क्रेडेंशियल्स के हिसाब से फिर बच्चे को कॉल करते हैं, और फिर बच्चे वहाँ या तो पढ़ने जाएँ, हायर स्टडीज़ करने जाएँ, या तो फिर अगर उनको वहाँ नौकरी लग जाता है तो वेल एंड गुड जी। MBA के बारे में आप बता रहे थे, और क्योंकि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कॉरपोरेट का थोड़ा इनडेप्थ नॉलेज भी होता है क्योंकि वो प्रोडक्शन देख रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को MBA करना कितना बेनिफिशियल होता है? क्योंकि एक तो ये भी चीज़ है कि MBA करने से इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ये फ़ायदा होता है कि उनके प्रमोशन में आगे चल करके बहुत हेल्प होता है, तो अगर इस फील्ड के बच्चे अगर MBA करते हैं तो उनके करियर में कितना ग्रोथ हो सकता है? देखिए आप जितना डिग्री अक्वायर कीजिएगा तो होता क्या है कि आपका स्किल सेट इम्प्रूव करता जाता है, और जितना स्किल सेट इम्प्रूव करेगा उतना आप इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल हो जाइएगा। तो अब जितना यूज़फुल होइएगा तो उस हिसाब से आपका कैरियर एडवांसमेंट भी होता रहेगा। और प्रोडक्शन इंजीनियर्स के बच्चों के साथ क्या है कि चूँकि इनके पास दो तीन ब्रांच का नॉलेज हो जाता है, कुछ मैकेनिकल, कुछ मैनेजमेंट का, और जो प्रोडक्शन के पेपर्स पढ़ रहे हैं वो तो है ही है, तो जब ये मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है और स्टूडेंट इटसेल्फ के लिए भी, हिमसेल्फ के लिए भी बेनिफिशियल है, और वो जाके वहाँ ज़्यादा अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं। किसी भी कोर्स को डिसाइड करने टाइम जो पहला चीज़ होता है वो हम ये करते हैं कि ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये एक तो दो चीज़ों की वजह से ये मेरे से हो पाएगा या नहीं, या फिर जो हमको आगे करियर बनाना है उसमें ये कितना बेनिफिशियल होगा। तो अगर हम एक सिलेबस का ओवरव्यू बोलें कि इस डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना होता है? देखिए इसमें कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से पढ़ाई होती है जी। फिर कुछ आपका मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे हम लोग कुछ तो जो बेसिक्स है जैसे मशीनिंग, कास्टिंग, फॉर्जिंग, फिर आपका आ जाइए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स पे, तो जैसे आपका लीन मैन्युफैक्चरिंग एक होता है, सिक्स सिग्मा एक होता है, फिर आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, और फिर आपका आज की तारीख में अगर हम लोग आ जाएँ तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। और देखिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है वेस्ट, मतलब आप कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम को कर रहे हैं, और इसके लिए कई सारी मेथोडोलॉजीज़ हैं और फिलॉसफीज़ हैं जो कि दी गई हैं, बताया गया है बच्चों को या सिलेबस में है। तो जैसे मैं सिर्फ एक का बात करूँ, जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करूँ, तो लीन मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या है कि उसका जो मेन उद्देश्य है वो है वेस्ट रिडक्शन। आप जितना वेस्ट रिड्यूस करिएगा उतना ओवरऑल इफेक्टिव होगा चीज़, ठीक है। तो अब वेस्ट भी कई तरीके का होता है, तो उसमें से कौन सा वेस्ट है जिसको कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कुछ हो तो एक टर्म होता है बॉटलनेक। तो बॉटलनेक क्या है कि भाई कई सारा ऑपरेशन हो रहा होता है सिस्टम में, मान लीजिए किसी असेंबली लाइन में कुछ आप काम कर रहे हैं, तो कोई एक एक्शन ऐसा होगा, कोई एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे कि आप चाह के भी उसको आप हटा नहीं सकते हैं, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो उस बॉटलनेक के लिए आप बाकी और क्या व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो आपका वर्क इफेक्टेड हो रहा है वो मिनिमाइज़ हो पाए, आप उसको हटा तो सकते नहीं है।
तो उसको आप करते हुए बेटर आउटपुट के साथ काम करें, एक तो ये हो गया। दूसरा जैसे आज ही आज की तारीख में हम लोग बात करते हैं, अगर मैं जैसे हाँ एक है आपका सर्कुलर इकोनॉमी, जैसे मैं सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा था वैसे सर्कुलर इकोनॉमी भी एक टर्म है। सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीमैन्युफैक्चर, रिफर्बिश, ये सारे टर्म्स हैं और सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स ये टेंड करता है। तो आप जितना चीज़ों को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें तब तक यूटिलाइज कर सकें जब तक कि उसका उसमें अब कुछ यूज़ करने लायक बचना गया हो। तो उससे एडवांटेज क्या होगा कि भाई जो आपका पूरा सिस्टम है या जो प्रोडक्ट है तब तक यूज़ हो रहा है और आपका उससे इकोनॉमी भी आपका इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि आपको नया चीज़ बार बार नहीं लेना पड़ रहा है, इन्वायरमेंट भी निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं हो रहा है और सोसाइटी के लिए भी ओवरऑल यूज़फुल है। और जैसे इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की मैं अगर फिर से बात करूँ एक बार, तो इसको हम लोग चाहें तो कोरिलेट कर सकते हैं आपका जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 17वीं शताब्दी में था, तो उस समय क्या था भाई स्टीम पावर आया था, स्टीम इंजन का यूज़ करते थे। 18वीं सदी में जब पहुँचे तो हम लोग वहाँ पे असेंबली लाइन की बात करते हैं जहाँ मास मैन्युफैक्चरिंग होता है, मास प्रोडक्शन होता है। फिर हम लोग 1990s की बात करें तो वहाँ पे कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन की बात करते हैं, और आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें जो अभी प्रेजेंट चल रहा है तो वह साइबर फिजिकल सिस्टम। और साइबर फिजिकल सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें आ जाता है सारा कुछ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन। तो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इन सारी चीज़ों पे भी फोकस कर रहे हैं ताकि जो बच्चे अभी पढ़ के बाहर निकले उनको जो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़ है उनके बारे में पता हो और वो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से और मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कायदे से स्विच कर सकें और कंट्रीब्यूट कर सकें टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंपनी एंड द नेशन एज अ होल। जी, स्टूडेंट्स ना अपना जो इंटरेस्ट है वो बहुत बार आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। कई बार हम देखते हैं कि जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साल भर किया और उसके बाद फिर रियलाइज़ करते हैं कि शायद ये नहीं करना है। और टीचर्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं स्टूडेंट्स की क्वालिटीज़ को देख करके कि ये किस फील्ड में जाएगा तो एक्सेल करेगा। तो क्या क्या स्किल्स होने चाहिए जो आपको लगता है कि किस तरीके के बच्चों को इस फील्ड में आना चाहिए? देखिए, जिन बच्चों को का एप्टीट्यूड लेवल थोड़ा अच्छा है, पहली बात तो है कि एप्टीट्यूड लेवल थोड़ा अच्छा है जी, और जिनको कि इंटरेस्ट है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो हैंड्स ऑन करेंगे तो क्या होगा और कैसे करेंगे, वैसे ही बच्चों को इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आना चाहिए। क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ना और प्रैक्टिकल में अप्लाई करना बिल्कुल अलग अलग दो चीज़ हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वही होगा, कुछ समय तक पढ़े और फिर उसके बाद उसमें आप एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं तो डिग्री ले ली और फिर कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चों के लिए NEP बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको वहाँ पर उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा जी। और इंजीनियरिंग में एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं उसमें आपका क्या टेक है? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उसमें इनरोल करना सही है या फिर जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, क्या इतना सिलेबस कवर करना खुद से पॉसिबल है या फिर कोचिंग इज़ ज़रूरी? देखिए, कोचिंग बिल्कुल से ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहना भी गलत होगा। कुछ हद तक उसका रिक्वायरमेंट है लेकिन सेल्फ स्टडी का कोई और अल्टरनेट नहीं है। आप अगर खुद से नहीं पढ़ रहे हैं कितने भी कोचिंग कर लीजिए, आपसे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला और अच्छे रैंक के साथ वो क्रैक नहीं होने वाला। तो कोचिंग का बस एडवांटेज ये होता है कि वहाँ पे आपको एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिल जाता है, आपको क्या पढ़ना है टू द पॉइंट कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स मिल जाते हैं जो कि आप अगर खुद से पढ़ रहे होते हैं तो वो पता करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो कोचिंग करने से एडवांटेज यही है। और कोचिंग करने के बाद अगर आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर कोचिंग का भी कोई मतलब नहीं होगा। बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स जब खास करके इंजीनियरिंग करने आते हैं तो उनकी रैंक के हिसाब से जो भी उनको डिपार्टमेंट मिलता है उनमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है और एंड में देखा जाता है कि अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो उसमें कुछ जॉब ही नहीं करते, इंजीनियरिंग ही नहीं करते हैं। आगे चल करके हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करने लग जाए या फिर MBA करने लग जाए लेकिन उस फील्ड को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। तो इसको अगर आप चाहें कि ये ना हो तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव करना चाहिए इसमें दो चीज़ें। आप जैसे एडमिशन ले लिया, बच्चे ने एडमिशन ले लिया, तो अमूमन हर कॉलेज में ये व्यवस्था है कि फर्स्ट ईयर के बाद कुछ स्लाइडिंग का ऑप्शन होता है। तो वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट पे, अवेलेबिलिटी ऑफ और मैनेजमेंट का क्या पॉलिसी है उसके ऊपर। तो अगर किसी बच्चे को मान लीजिए किसी ब्रांच में एडमिशन लिया और उस ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है और उसने जो क्रेडेंशियल्स दिया गया है मैनेजमेंट के थ्रू कि भाई अगर आप इतना स्कोर करते हैं और सीट वैकेंट रहता है वहाँ पे तो आपको स्लाइड किया जा सकता है। तो अगर आपका स्लाइडिंग हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर बिल्कुल से स्लाइडिंग नहीं हुआ तो आप आज की तारीख में क्या है कि सारा जॉब जो भी है मार्केट में
वो इंटरडिसिप्लिनरी है। अब ऐसा कहीं नहीं रह गया है कि मैकेनिकल वाले सीएस वाले जॉब में नहीं जा सकते, सीएस की कंपनी में नहीं जाके जॉब कर सकते, या प्रोडक्शन वाले आईटी में जाके काम नहीं कर सकते। बच्चे कर रहे हैं और उसका रिक्वायरमेंट भी है। अब आप समझिए इस तरीके से इस चीज़ को कि सपोज़ कीजिए आपका सीएस का बच्चा है, जैसे मैंने बताया फर्स्ट ईयर में उनको लैब में भेजा जाता है, वर्कशॉप में भेजा जाता है। अब उसको टीसीएस में काम कर रहा है सपोज़ कीजिए, और टीसीएस एक कंसल्टेंसी सर्विसेज है, कंपनी है कंसल्टेंसी की काम करती है। उसको मिल गया किसी ऐसे इंडस्ट्री का काम जहाँ पे कि भाई आपको कोड करना है और मशीन्स के ऊपर कोड करना है, सी एन सी वनसी जो कुछ है, कुछ इस तरीके का। अगर उस बच्चे को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो वो किस तरीके से करेगा? उसके लिए उसको वापस से सब कुछ सीखना पड़ेगा, और अगर पहले से उसको कुछ जानकारी है तो उसको उस टाइम पर थोड़ा मेहनत कम करना पड़ेगा और वहाँ से वो सीख करके आराम से एक्सेल कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आजकल इंटरडिसिप्लिनरी होने की वजह से क्या है ना कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी एरिया में, और जैसे आज के बच्चे करते भी यही हैं, मान लीजिए किसी को सीएस में एडमिशन चाहिए था, नहीं हो पाया किसी कारण से, किसी और ब्रांच में एडमिशन ले लिया, तो वो अपना कोर सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में बैक एंड से वो अपना तैयारी कर रहे होते हैं, कोडिंग वोडिंग सीख रहे होते हैं, ताकि जब प्लेसमेंट की बारी आए या जब नौकरी की बारी आए तब तो वहाँ वो अपने उस स्किल सेट का इस्तेमाल करके। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को लेकर के हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो एपिसोड है वो आप दूरदर्शन झारखंड के YouTube चैनल DD झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल है 1145 चैनल नंबर पर, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको और भी है राहें के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।